नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल खेती बाड़ी और मंडी भाव में। आज हम एक और वीडियो लेके आए हैं जिसमें बात करेंगे सिजेंटा कंपनी का प्रोडक्ट है ईशा व्यू। आज जानेंगे इस प्रोडक्ट के क्या बेनिफिट है जो किसान भाई इसे लगातार मांगते हैं और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हमें देखने को मिलते हैं फसलों में, सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही वीडियो लगातार आपको मिलती रहेगी। तो देखिए, ये जो प्रोडक्ट है इसके अंदर फॉर्मुलेशन आता है, ये एक बायो बेस्ड प्रोडक्ट है और इसके अंदर अमीनो एसिड्स और कुछ ऑर्गेनिक कंटेंट्स से मिलकर ये प्रोडक्ट बना होता है। अब बात करते हैं कि इसका इस्तेमाल करने से फसल में क्या क्या बेनिफिट देखने को मिलते हैं। देखिए, इसके अंदर मुख्य रूप से अमीनो एसिड्स है। तो देखिए, बहुत बार हम किसी भी ग्रुप्स के अंदर अमीनो एसिड्स का इस्तेमाल करते हैं तो हमें बेनिफिट्स में देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं पौधा बराबर लेता है और देखते हैं जो पत्तियों की जो साइज है पौधा ऑटोमेटिक उस साइज को डेवलप करने में भी सहयोग प्रदान करता है अमीनो एसिड्स। और बहुत बार देखते हैं हम कि हमारे जो पौधे होते हैं और बहुत सारे स्ट्रेस लेवल से गुजर रहते हैं, यानी कि बहुत बार हम किसी खरपतवार नाशक दवाई का भी इस्तेमाल कर देते हैं तो भी पौधा बढ़वा नहीं ले पाता है। तो ऐसी कंडीशंस में यदि हम इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं तो जो पौधा स्ट्रेस लेवल में है तो स्ट्रेस को यह दवाई दूर करती है। ओके, और हम देखेंगे जैसे ही पौधा स्ट्रेस लेवल से बाहर होगा तो उसके जो फ्लोरिंग की जो स्टेज होती है उसमें भी काफ़ी तेजी देखने को मिलती है इसके परिणाम स्वरूप, और जो फल की साइज को भी यह काफ़ी हद तक डेवलप करने का भी यह काम करता है। और अब बात आती है कि इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल हम किन किन क्रॉप्स में कर सकते हैं। देखिए, हमेशा इस्तेमाल करने से पहले आप लेबल को पढ़िए फिर इस्तेमाल करिए। देखिए, मुख्य रूप से लगभग सभी प्रकार की सब्जी वर्गीय फसलों के साथ साथ बागवानी में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, सब्जी वर्गीय फसलों की बात करते हैं तो मुख्य रूप से बैंगन हो गई, भिंडी हो गई, मिर्च हो गई, टमाटर हो गई, लौकी, करेला, तरोई, कद्दू, चवला फली, और हम इसका इस्तेमाल गोभी के अंदर भी काफ़ी अच्छी जो शाइनिंग लानी है उसके अंदर भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं और कुछ कंडीशंस में हम नर्सरी में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, यानी कि लगभग सभी प्रकार की। और हम बहुत बार देखते हैं कि सोयाबीन, मूंग, उड़द और गेहूँ के अंदर भी हम बहुत बार देखते हैं कि जैसे ही हम किसी खरपतवार नाशक दवाई का इस्तेमाल करते हैं तो पौधे की जो नेचुरल जो ग्रोथ है वह वही रुक जाती है। तो ऐसी कंडीशंस में यदि हम इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं तो जो पौधा नेचुरल ग्रोथ देता है तो इस प्रोडक्ट के द्वारा उस पौधे की नेचुरल ग्रोथ स्टार्ट वापस हो जाती है। ओके, और बागवानी में हम बात करते हैं आम, अंगूर, पपीता, अमरूद, इनके अंदर भी इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं कि इसका जो डोज होता है क्या रखना होता है। देखिए, डोज हमेशा डिपेंड करता है क्रॉप की क्या साइज है और क्रॉप किस कंडीशंस में है। तो सामान्य रूप से इसका जो डोज है 30 से 35 ml प्रति 15 लीटर पंप में हमेशा इस्तेमाल करना है। और हमेशा आप इसका इस्तेमाल करो तो इसके ये देखिए, इसके साथ में अन्य किसी भी ऐसे प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करना है, यानी कि एग्रीसाइड जो प्रोडक्ट है, मकड़ी नाशक प्रोडक्ट हो गए हैं, इनका आपको इस्तेमाल नहीं करना है। यानी कि सिंगल प्रोडक्ट ही इसका इस्तेमाल करोगे तो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट दिखाई देंगे। अब बात आती है कि इसके रिजल्ट कितने दिनों में दिखाई देने लग जाते हैं। देखिए, इसके रिजल्ट सामान्य रूप से 3 से 4 दिन में आपको पौधे के अंदर इसके रिजल्ट देखने को मिलते हैं। ओके, और बहुत से किसान भाइयों ने इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल भी किया होगा। देखिए, मार्केट में इसकी पैकिंग 250 ml, आधा लीटर, 1 लीटर में भी अवेलेबल है। वो एरिया वाइज डिपेंड करता है किस मार्केट में क्या पैकिंग चलती है। और जिन जिन किसान भाइयों ने इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया है तो आपने किस फसल के अंदर इसका इस्तेमाल किया है, कितनी मात्रा में किया है और आपको इस प्रोडक्ट से क्या बेनिफिट देखने को मिले हैं आप कमेंट में जरूर बताएं, ताकि अन्य किसान भाइयों को भी इससे सहयोग प्राप्त होगा। और आप किस जिले से या राज्य से आप ये वीडियो देख रहे हो कमेंट में जरूर बताएं। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो आप तक पहुँचती रहेगी। जय हिंद, धन्यवाद।